सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है चैनल पर। तो दोस्तों नवीं पोस्टा आउट हो चुकिया ने। जी हाँ दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट सैल नॉर्थन रेलवे लाजपत नगर न्यू दिल्ली 11024। जी हाँ दोस्तों, तो चलो आप न्यूज़ नू करते हाँ शुरू। जेकर चैनल पर तुम पहली बार आ रहे हो तो चैनल में सबसक्राइब, वीडियो में लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो चलो दोस्तों आप वीडियो नू करते हाँ शुरू। दोस्तों वीडियो थोड़ी जी लंबी होने वाली है, इस करके तुसी इनकी स्पीड भी थोड़ी जी वधा सकते हो। तो दोस्तों देखो, आप ज़्यादा इनू नहीं रीड करांगे नोटिफिकेशन, बस तुहानू मेन मेन गल्लां ही दसांगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो दोस्तों आप पहले इनकी योग्यता वेख लीए कि आपको दसी द कैंडीडेट मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन SSC 10th एग्जामीनेशन और इट इज़ इक्वलेंट, उन्हें दसवीं की होनी चाहिए है जा इनके बराबर की कोई योग्यता उनके कोल होनी चाहिए है। अंडर 10th प्लस टू एग्जामीनेशन सिस्टम विद मिनिमम 50% मार्क्स इन, तो उनके जेडे प्लस टू च नंबर होने चाहिए, मतलब कि 12वीं चो 50% होने चाहिए इन एग्रीगेट फ्रॉम रिकोगनाइजिंग बोर्ड एंड मस्ट हैव पास्ड ITI। दोस्तों मेन जी गल है वह ITI होनी चाहिए है। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने दसवीं तो बाद ITI शुरू की सी उन्होंने सुनहरी मौका आ चुका है। हुण द कैंडीडेट शुड हैव ऑलरेडी पास्ड द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन। द अपलाइज हूज SSC मैट्रिकेशन 10th ITI रिजल्ट आर वेटेड एज ऑन डेट ऑफ नोटिफिकेशन आर नॉट एलीजिबल टू अपलाई, जिन्हों का रिजल्ट नहीं आया। आ देखो दोस्तों, उन्होंने लिखा ITI रिजल्ट आर अवेटेड, ठीक है दोस्तों। इस लाइन का मतलब है, मतलब कि जिन्हों का रिजल्ट हुणे हुणे आया या अजे वेटिंग चल रहा या उन्होंने हुणे हुणे पास की है ITI, मतलब कि जिवें आप दसवीं तो बाद कर लग जाने तो जे हुण कर रहे हैं वो नहीं अपलाई कर सकते, जेडे पा कर चुके ने वो अपलाई कर सकते हैं। द कैंडीडेट शुड हैव कंप्लीट 15 ईयर ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीट 20 ईयर्स ऑफ एज, 15-24 एज। जी हाँ दोस्तों, तो अपर एज लिमिट एज लैक्सेबल बाय 5 ईयर इन केस ऑफ SC ST कैंडीडेट, 3 ईयर्स इन केस ऑफ OBC। आपू दोस्तों जोड़े SC वाले से उन्होंने छूट दी गई है 5 साल की, ठीक है दोस्तों। फोर परसन हु डिसबिल्ट अपर एज लिमिट एज लैक्सेज इन 10 ईयर, जेडे मतलब कि दोस्तों हैंडीकैप होंगे ने। तो दोस्तों ये तो तुम सारा नोटिफिकेशन रीड करना ही है, इन्दे विच बहुत इंपोर्टेंट गल्लां भी दसियां जांदियां ने। हुण आप एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल, दोस्तों उन्होंने पहले ही लिखा है नॉन रिफंडेबल, मतलब कि जो पोस्टा कैंसल वगैरह होंदियां ने तो तुहानूं फीस वापस नहीं मिलनी। एप्लीकेशन फीस 100 रुपया है, ठीक है। पेड थ्रू ऑनलाइन मोड एज अ पार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसैस, ठीक है दोस्तों। RRC विल नॉट एक्सैप्ट एप्लीकेशन फीस इन कैश, चैक, मनी ऑर्डर, जो भी है दोस्तों, तो इन्हें ऑनलाइन ही फीस करें। नो फीस इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय SC ST वूमेन कैंडिडेट्स, ठीक है दोस्तों। SC ST PWBD वूमेन कैंडिडेट, इन्हों की कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ने भर सकते हैं दोस्तों। आप चाहते हैं सारे दे सारे ही भरन पोस्टा। मोड ऑफ सिलेक्शन द प्रोसीजर इन एंगेजमेंट ऑफ कैंडिडेट विल बी एज अंडर स्क्रीनिंग एंड सिक्योरिटी एप्लीकेशन, देयर विल बी नो रिटन टेस्ट ऑफ वाइवा, मतलब दोस्तों देयर विल बी नो रिटन टेस्ट और वाइवा, कोई टेस्ट नहीं कोई वाइवा नहीं, ठीक है दोस्तों। सिलेक्शन ऑफ एक्ट अप्रेंटिस इज टू बी मेड ऑन द बेसिक ऑफ मेरिट प्रिपेयर्ड टेकिंग द एवरेज ऑफ द परसेंटेज मार्क्स ऑबटेन बाय द कैंडिडेट इन बोथ मैट्रिकुलेशन एंड ITI, मतलब कि दोस्तों जिन्ह के तो ITI चे दसवीं हाई नंबर ने वह तो लगे पेने, बस पोस्ट फिल करो लगे पै जे बस। तुम इन केस ऑफ कैंडीडेट हैविंग सेम मार्क्स द कैंडीडेट हैविंग ओल्डर एज शैल बी प्रैफर्ड, एज वध तक उन्होंने रखा जाएगा जो कैंडीडेट के मार्क्स सेम आ जाएंगे, ठीक है। द फाइनल मेडलिस्ट विल बी प्रिपेयर क्लस्टर ट्रेड वाइज एंड कम्यूनिटी वाइज, ठीक है दोस्तों। मतलब कि ट्रेड वाइज मतलब कि महकमे तुम्हें जाना है, तो कम्यूनिटी वाइज मतलब कि कोटे दे विच आउंदे हो, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों ये भी तुसी जरूर रीड करनिया ने सारिया, तो अपने को ट्रेड्स केड़ियां ने इत्थे जिन्हां दोस्तों फिल्टर दी या टर्नर दी या वेल्डर दी ITI की होंगी, इलैक्ट्रीशियन की होंगी, मकैनिस्ट की होंगी, पेंटर, ठीक है दोस्तों, मोटर व्हीकल की होंगी, मकैनिक वाली, रेफ्रिजरेटर, AC मकैनिक,
तो आ दोस्तों अगे विजुअल विजुअली इंपायर्ड इन्दे विच भी फिल्टर है ट्रेड सारिया ट्रेड इत्थे दित्तियां होईयां ने जी हाँ दोस्तों इन्हां नूं तुसीं चंगी चंगी तरह रीड कर लेना मतलब कि इन्दे विच मैक्सीमम डिसएबिलिटी उन्होंने जिहड़ी है दसी हुई है मतलब कि किन्ने डिसएबिलिटी वाले अप्लाई कर सकते ने। इस तों बाद आपां चलदे हां थले आ चुके हैं दोस्तों देखो पंजाब वालियां वास्ते तां एक आ वाला है अंबाला नेड़े आ आपां नूं ते दूसरा आ गया अपना फिरोजपुर जी हाँ दोस्तों कलस्टर फिरोजपुर दे विच वी अपनियां पोस्टां जरूर आईयां ने। बस दोस्तों नोटिफिकेशन हो गया थले खत्म तो हूँ आप फिर आ जाते हाँ उपर तो हूँ इन आप अपलाई किमें करना है आओ तुहानू दिखा दें अपलाई किमें करना है। तो दोस्तों देखो आप इतने ऑलरेडी ओपन करके रखा है सारा कुछ आ देखो क्लिक केयर टू नोटिफिकेशन जी हाँ दोस्तों जिमें तुसी अपने आ तो डाउनलोड हो चुका है। तो दोस्तों इतने आप अपलाई किमें करना है आओ तुहानू दसदे हां अपलाई किमें करना है। आप कैंडीडेट नेम फिल करना फादर नेम मोबाइल नंबर ईमेल आई डी आधार नंबर जेंडर कैटागरी सब कैटागरी डेट ऑफ बर्थ। तो दोस्तों इस तो बाद अपने को एक नवा पेज जिहड़ा ओपन होएगा वो अपने डाकूमेंट्स अपडेट करने होंगे जी हाँ दोस्तों जिमें आई टी आई तो टैंथ या फिर उन्होंने कल्ले मार्क्स। तो दोस्तों इदा ही आप अपलाई कर सकते हैं फीस सैक्शन सब तो एंड ते आएगा तो वह भी अपलाई कर सकते जेकर तुहानू कोई दिक्कत आ रही हो तो मैं जरूर मैसेज कर लेना टैलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आप दे चुके हैं डिस्क्रिप्शन के धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। तब दोस्तों जल्दी तो जल्दी पोस्टर फिल कर लो बहुत सारिया पोस्टा होर भी आने वाली ने इस करके चैनल में सबसक्राइब भी कर लो। धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए।